यूपी में अवैध रेत खनन मामले की जांच आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंचती दिख रही है। सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकती है। सीबीआई के मुताबिक 2011 के बाद से यूपी के सभी खनन मंत्रियों से पूछताछ हो सकती है। 2012 से 13 में खनन मंत्रालय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास था। इसके अलावा सीबीआई ने आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान दो खाते और एक लॉकर सील कर दिया। अवैध खनन मामले में बीते रोज सीबीआई ने लखनऊ, दिल्ली और हमीरपुर समेत करीब 14 जगहों पर छापेमारी की थी। अवैध घोटाला अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुआ था और माना जा रहा है कि जांच का दायरा अखिलेश यादव तक जा सकता है। यूपी के खनन घोटाला मामले में सीबीआई की छापेमारी जारी है। सीबीआई ने हमीरपुर में उस समय तैनात सीनियर क्लर्क राम अवतार के पास से 2 किलो सोना और 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। साथ ही हमीरपुर के 2012 में माइनिंग अफसर रहे एक अधिकारी के घर से भी 2 किलो सोना बरामद किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि छापेमारी सीबीआई को मिली शिकायत के आधार पर ही की गई। छापे अगर कोई शिकायत आई होगी, ये छापे एक सिस्टम के अंतर्गत कोई छापे पड़े हैं ऐसा मैं चैनल में देख रहा था, लेकिन अभी पूरा फीडबैक मैंने लिया नहीं है। लेकिन कोई भी इस प्रकार की घटना होती है तो सीबीआई का अपना एक अलग हिसाब है, अलग प्रकार से वो अपनी छापेमारी कार्रवाई करती है, तो उसी क्रम में हुआ होगा। लेकिन अखिलेश यादव इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए और मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दिए बिना ही चले गए। अभी कुछ नहीं बोला मैंने, ठीक है, चलिए बधाई धन्यवाद। लेकिन एनसीपी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव और मायावती के बीच हुए गठबंधन से बीजेपी बौखला गई है और इसलिए वो बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि 2012-13 की जो वारदात के बारे में जिक्र कर रही है सीबीआई, तो अब तक क्या कर रही थी सीबीआई? अब जब लोकसभा के चुनाव आने जा रहे हैं और अब जब मायावती और अखिलेश ने हाथ मिला लिया है और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहा है, तब सीबीआई ने अपनी ये काम शुरू किया। वहीं कांग्रेस ने तो सीबीआई पर सवाल खड़े कर दिए और हालिया सीबीआई विवाद का हवाला देते हुए सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही। अगर पहले तो इस सरकार पर और जिस तरह से एजेंसी का हाल कर दिया इस सरकार ने, उस पर लोगों को भरोसा ही नहीं रहा, तो आने वाले दिनों में जब बात सामने स्पष्ट आएगी तो हम इसका स्पष्ट उत्तर देंगे। लेकिन सरकार ने जिस तरह से एजेंसी को यूज किया है, उनकी जो हालत कर दी है, उसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हम बार बार कहते आए हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इस सरकार में सबसे ज्यादा हुआ है। हरियाणा के रोहतक में पीजीआई के बॉयज हॉस्टल के अंदर एमबीबीएस फाइनल ईयर के एक स्टूडेंट का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हिसार के रहने वाले प्रशांत चौहान नाम के छात्र का शव हॉस्टल का कमरा नंबर 658 के अंदर मिला और जांच में पुलिस को वहां से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस का दावा है कि प्रशांत ने अपने सुसाइड नोट में किसी को भी अपनी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं माना है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि प्रशांत ने जहर खाकर खुदकुशी की। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। वहीं प्रशांत के भाई का कहना है कि वो अपने मां की मौत के बाद से ही परेशान रहता था, इसलिए हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चला गया हो। मैं तो यहाँ पे आया जब उसकी बॉडी पड़ी थी, सीधा मैं अंदर गया और पुलिस इंक्वायरी चल रही थी और वो टीम का वेट कर रहे थे। 1 साल पहले मेरी मदर एक्सपायर हुई थी, तब से डिप्रेशन में चल रहा था, तो शायद यही कारण है। क्या सुसाइड नोट के लिए? हाँ जी, सुसाइड नोट मिला है अंदर से कि कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेरी डेथ के लिए, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। हाँ, काफ़ी प्यूट्रीफाइड सी है, फूली हुई बॉडी है, इसका मतलब लगता है कि ये कुछ दिन जरूर हुए हैं इसको डेथ को। किसी एक बच्चे ने बताया है, तब उसके बाद जब उसको स्मेल बदबू आई है तब उसने बताया है, उन्होंने बच्चों ने फिर ये खोला था दरवाज़ा।